नमस्ते दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज है सेमीफाइनल 2 जो खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 1:30 बजे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड पे। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों की क्या प्लेइंग 11 है, क्या है दोनों के हेड टू हेड है, कितनी बार वर्ल्ड कप में भिड़े हैं, कौन आज के मैच विनर्स हो सकते हैं, किससे भारत को खतरा है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग दोनों 22 बार इससे पहले T20 इंटरनेशनल में भिड़े हैं, जिसमें अगर हम बात करें इंग्लैंड 10 मैच जीता है और हमारी भारतीय टीम 12 मैच जीती है। तो भारत का पड़ रहा है काफी भारी है कहना होगा, क्योंकि अगर हम पहले के शुरुआत से बात करें तो पहले इंग्लैंड जरूर भारत से ज्यादा मैच जीतता था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब भारत ने लगातार कंसिस्टेंटली इंग्लैंड को हराया। जब विराट कोहली की कप्तानी का दौर आया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके 2-1 से हराया, इस साल भी 2-1 से हराया था रोहित शर्मा ने। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वही टीम खेली थी जो अभी खेलने वाली है, और भारत की भी वो वही बहुत हद तक टीम थी जो खेलने वाली है। तो अगर हम T20 वर्ल्ड कप में बात करें तो वहां भी भारत का पलड़ा भारी, होंगे 3 बार खेले जिनमें से 2 बार भारत जीता है, 1 बार इंग्लैंड जीता है। 2007 कोई नहीं भूल सकता, युवराज सिंह के वो 6 छक्के, जब भारत ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए थे, ब्रॉड और फ्लिंटअप का बैंड बजाया था। 2009 में इंग्लैंड ने भी हम बात करें पे ऑफ करा उसका, क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत को मैच जीतना जरूरी था, मस्ट विन था, लेकिन इंग्लैंड ने भारत को मैच अपनी सरजमीन पर हरा कर बाहर कर दिया था। 2012 में ये मैच से रिजल्ट किसी को फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वो मैच जीता दोनों के लिए जरूरी था, क्योंकि जो भी टीम जीतती है फर्स्ट आती है और उसको बाद में बेनिफिट मिलता। तो भारत ने बहुत ही वन साइड वो मैच इंग्लैंड को हरा दिया था श्रीलंका के कोलंबो के स्टेडियम में। तो यही तीनों भारत ये लोग भिड़े हैं। अगर हम इसके सिवा बात करें तो कभी भी लोग T20 वर्ल्ड कप में नहीं भिड़े, तो 10 साल बाद भिड़ते हैं। अगर हम नॉकआउट्स में बात करें तो 2 बार ये लोग आईसी टूर्नामेंट्स में भिड़े हैं। 1983 श्री कपिल देव जी ने सेमीफाइनल में इनको हराया था, और फिर 1987 में ग्राम गूच ने फिर इनको वापस अगर हम बात करें पे बैक करा हराया। तो 2 ही बार भिड़े हैं जिसमें 1-1 है। इसके सिवा कुछ बार नॉन ऑफिशियली लोग भिड़े हैं, जैसे 2002 का क्वार्टर फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग दोनों ने ही शतक लगाए थे। तो बहुत कम ही बार ये लोग नॉकआउट्स में भिड़े हैं जो इस बार भिड़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ दोनों का सफर कैसा रहा है। तो पहले बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है, हम इसको काफी पसंद भी करते हैं। तो इंग्लैंड ने पहला मैच अफगानिस्तान से खेला था, बहुत अच्छी बॉलिंग रही, 112 पे रुक गई, हालांकि बनाने में काफी टाइम लग गया, 18 ओवर के करीब लग गए थे। दूसरा मैच आया जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, कि आयरलैंड ने इनको हराया था 158 रन बना के, हालांकि डकवर्थ लुईस से जीते, लेकिन उस मैच में जो जीतना डिजर्व करता था वो आयरलैंड ही करता था, क्योंकि काफी आगे चलता था। तीसरा मैच रहा ऑस्ट्रेलिया से, बारिश हो गई, पता नहीं कौन जीता, कुछ नहीं कह सकते थे, हालांकि हरा सकते थे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे इस बार ऑस्ट्रेलिया खेला है। चौथा और पांचवा मैच इनको जीतना जरूरी था, और जीते भी। चौथा मैच न्यूजीलैंड को हराया, 180 रन पहले बनाए और 160 तक रोक दिया। बटलर की बहुत अच्छी पारी रही थी, हेल्स की बहुत अच्छी पारी रही थी, और आगे यही जो मेरा मेन पॉइंट है कि जो अगला मैच आया जहाँ पे 140 पे श्रीलंका को रोक दिया, जबकि पहले 5 में 50 थे। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, मार्क वुड ने 3 विकेट लिए, हालांकि वो शायद नहीं खेल रहे, एक बात उनके लिए जरूर चिंताजनक है, लेकिन पहले 6 में ही 70 रन बना दिए, और फिर आराम से 14 ओवर में उन्होंने 70 रन बनाए। तो मेन बात यह कि जो पावर प्ले में रन बनाते हैं 50, 55, 60, इससे कम बनाते नहीं, उसमें तो 70 बना दिए, यही हमें रोकना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार, सरदार जी हमारे, हरदीप सिंह और मोहम्मद शमी स्विंग किंग, इन तीनों को यही करना है कि बटलर और हेल्स की विकेट जल्दी लेनी है। जो भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड है जॉस बटलर के सामने बता दूं, बहुत अच्छा है, लगभग 30 बॉलों में 35 रन के आसपास पड़े और 5 बार आउट करा, या फिर शमी हरदीप भी ये काम कर सकते हैं। दूसरे जो इनफॉर्म बल्लेबाज है वो हेल्स है। इसके सिवा में इनकी प्लेइंग 11 आगे बात करूँ तो डेविड मलान काफी फंसते हैं भारत के सामने, या स्पिन के सामने भी फंसते हैं, अगर वो खेलते हैं तो फंसेंगे, अगर वो नहीं खेलते तो फिल शॉट खेलेंगे, वो भी एक नए खिलाड़ी है तो उनको भी फंसाया जा सकता है। नंबर 4 मोइन अली आएंगे, ये थोड़ा मारने को जाते हैं, तो इनको या तो अश्विन को निकालना या फिर जो दूसरे स्पिनर खेलेंगे चहल या अक्षर पटेल, जिसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ बाद में। बात करूं बेन स्टोक्स, अब वो जरूर फॉर्म में आ गए क्योंकि पिछले मैच में चले थे, तो उनको भी जल्दी आपको रोकना पड़ेगा। लियाम लिविंगस्टन बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं स्पिन में, लेकिन फंसते तो उनको फंसाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें हैरी ब्रुक, ये भी एक अच्छे उभरते सितारे हैं, तो इनको भी आपको जल्दी आउट करना पड़ेगा। बॉलिंग में बात करूं तो सैम करन है, क्रिस वोक्स है, आदिल रशीद है, एक मार्क वुड थे, उनकी जगह अब देखने कौन आएगा, देखने के क्या क्रिस जॉर्डन आएंगे या फिर किसी वो और बल्लेबाज को खिलाएंगे। तो मेन यही है कि जो पेस बैटिंग की है सैम करन ही मेन एक अच्छे गेंदबाज है, विकेट क्रिस वोक्स को भी मिल सकते हैं, लेकिन रन वो लीक करते हैं। इसके सिवा बात करूं आदिल रशीद को भारत बहुत अच्छा खेलता है, मोइन अली को बहुत अच्छा खेलता है, खासकर लिमिटेड में पेन स्टोक्स को भी अच्छा खेल लेगा, और बल्लेबाजी की मैंने बात कर दी। अब हम बात करते हैं हमारी भारतीय टीम की क्या बल्लेबाजी है। रोहित शर्मा कप्तान, साथ में KL राहुल, उसके बाद नंबर 3 विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे, नंबर 4 स्काई सूर्य कुमार यादव सबसे अच्छे बल्लेबाज लगभग इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, उसके बाद नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 देखना होगा कि क्या DK को ही खिलाएंगे या फिर 5वें पे ऋषभ पंत और 6 पे DK आएंगे, रोहित शर्मा ने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते। और 7वां जो सबसे बड़ा सवाल है कि अक्षर पटेल खेलेंगे या फिर अश्विन साथ पे आएंगे, और फिर भुवी शमी अर्शदीप तीनों हमारी पेस बैटरी, और 11वें में चहल को खिलाएंगे। मुझे लग रहा है शायद रोहित शर्मा की यही स्ट्रैटेजी थी कि आप पहले चहल को खिलाई मत, उनको देखने ना दो ऑस्ट्रेलिया में कैसी बॉलिंग करा रहे, और अक्षर पटेल की जगह शायद खेलेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ने वैसे भी 9 ओवर में काफी रन दिए इस वर्ल्ड कप में और 4 ही विकेट लिए, अश्विन ने 6 विकेट लिए, तो मुझे लगता है अश्विन तो खेलेंगे, तो अश्विन और चहल खेलने चाहिए और अहम भूमिका निभाएंगे विकेट लेंगे मुझे लगता है। तो उम्मीद यही करूंगा दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलिंग कराएं सभी, भुवनेश्वर
अपनी स्विंग दिखाएं, शमी अपनी यॉर्कर्स दिखाएं, अर्शदीप पाजी अपनी विकटें लेना जारी रखें, सबसे ज्यादा विकटें दी इस वर्ल्ड कप में, सेकंड हाईएस्ट ने, सैम करन के 11, इनके 10 हैं, तो हाईएस्ट बने। भारत की तरफ से भी आरबी सिंह की 12 थी 2007 में, तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़े। अश्विन विकटें लें, जैसे पिछले में 3 ली थी, ऐसी विकटें लिया करो यार 2-3, मुझे बहुत मजा आता है। हर किसी को मैं कहता हूँ अश्विन को खिलाते रहा करो, मेरे फेवरेट बॉलर हो, टेस्ट में ही नहीं पहले भी लिमिटेड ओवर में भी थे, बीच में 5 साल सपना टूट गया जब आप बाहर हुए थे, लेकिन अब आपने बहुत अच्छी वापसी करी है, तो दिखाओ सेमीफाइनल और फाइनल में, और दिखाओ लोगों के यार 4-5 साल आपने जो मुझे बाहर रखा हो बहुत गलत करा, हैट्स ऑफ टू राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो मुझे वापस लाए। और इसके सिवा चहल खेलते हैं तो उनपे बहुत अच्छा मौका हुआ कि भाई मैं अभी तक नहीं खेला लेकिन अब खेलूंगा तो विकेट लूंगा, या अगर अक्षर को भी मौका मिलता है तो वो भी को भी दिखाने का मौका मिलेगा कि भाई अगर मेरे पे इतना भरोसा दिखाए तो क्यों दिखाया, बल्लेबाजी गेंदबाजी और तीनों में। इसके सिवा नीचे डीके अगर खेलें तो डीके पे भी अब मौका यार कुछ करो, फिनिशिंग अच्छी सी करो, आप करते आए हो आईपीएल में इंडिया के लिए मैचेस में, नॉकआउट्स मैचेस में भी आपने करा जब हम एशिया कप या निदास कप खेले थे, लेकिन अभी तक आप आईसीसी वर्ल्ड कप्स में नहीं चले हो, चाहे 2007-09-10 का था या फिर 2019 का वर्ल्ड कप था, या पंत खेले तो पंत पे भी अच्छा मौका होगा कि अंत करें अपनी तकलीफों का, हार्दिक अच्छा खेल ही रहे हैं, बस ये कि अच्छा स्पिन को तो खेले ही, बीएम लिविंगस्टन को, मोइन अली को, आदिल रशीद को, लेकिन पेस को भी अच्छा खेले। इसके सिवा स्काई अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखें, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, 225 रन बना चुके हैं, केएल राहुल 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन लोग यही कह रहे थे, मैंने एक पोस्ट देखा कि स्लोएस्ट स्टडी लिखा हुआ था राहुल के लिए, क्योंकि पिछले साल भी पहले 2 मैचों में काफी खराब खेले, फिर 3 मैचों में अच्छा खेले यहाँ पे भी, लेकिन लोग मजाक बना रहे थे उसमें, राहुल आपका कह रहे थे कि यार आप छोटी टीमों के सामने रन बना रहे हो, तो उनको कल दिखाओ कि नहीं मैं नॉकआउट में रन बनाऊंगा, वो भी इंग्लैंड के सामने। इसके सिवा बात करें विराट कोहली की, बहुत अच्छी फॉर्म रही है अभी तक, और नॉकआउट्स में मैं आपको दिलचस्प आंकड़ा बताऊं, 3 बार ICC T20 वर्ल्ड कप्स में खेले नॉकआउट्स में, और 238 रन है और 238 की एवरेज है, 72 की कोई पारी नहीं भूल सकता वो, सबसे पहले सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका 2014 जब शेर की तरह धाड़े थे युवराज ने उनको गोदी में उठाया था, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल में भी 77 रन आए थे, लेकिन भारत और श्रीलंका से फाइनल हार गया था, और फिर 89 वेस्ट इंडीज के सामने 2016 सेमीफाइनल वो भी कोई नहीं भूल सकता, वहां पे भी हार गए थे, तो तीनों पारियों में बहुत अच्छा खेले, आउट भी एक ही बार हुए वो भी रन आउट हुए थे, तो ऐसी उनसे पारी कल चाहिए 70-77 या 89 की, और एक और अच्छा लगा है, और जो बहुत अच्छी मुझे पारी सबसे ज्यादा चाहिए वो चाहिए हमारे कप्तान साहब से, जो लगातार 2016 वर्ल्ड T20 से बात करें काफी फ्लॉप चल रहे हैं, चाहे 2016 का वर्ल्ड T20 बात करें, 2021 का, 2022 का, जो रन्स भी आए हैं वही जो लोग मजाक बना रहे थे राहुल का अफगानिस्तान या नमीबिया के साथ में, तो कल रोहित खेल दो एक कप्तानी पारी 50+ रन की, 60-70 रन बनाओ, मैं तो कहूंगा कि भारत को बहुत आगे ले जाओ। तो अगर भारत को मैच जीतना है तो ये करना है कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो ट्राई करो उनको 160-170 के बीच में रोक लो, इससे ज्यादा रन नहीं जाने चाहिए, अगर 170+ इंग्लैंड भी करता तो इंग्लैंड ये मैच जीत सकता है, 170 से नीचे होगा तो भारत चेस कर तो जरूर जीतेगा, और अगर ये है कि भारत पहले बैटिंग करता है तो 180+ बनाने पड़ेंगे, गलती से अगर 6 में 60 बन भी जाए तो बाकी 14 ओवर में आकर मौका 120 रन अगर होंगे, वैसे तो आप 185 या 90 बनाओ लेकिन 180+ बनाने पड़ेंगे, तो ये है कि टॉस जीत के क्या करें अभी कुछ कह नहीं सकते, एडिलेड में तो जो भी टॉस जीता है 11 बार वो मैच उल्टा आ रही है, तो पहले बल्लेबाजी भी कर सकते हो और ये 180+ रन बना के इंग्लैंड को फंसाओ, या फिर मेरे हिसाब से चेज भी कर सकते हो क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारी भारतीय टीम जीतेगी ये मैच, और उसके बाद मैं मिलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, चक दे इंडिया।